हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एमपी पटवारी की वैकेंसी, जैसा कि आप सभी को पता है आने वाली है। आपको हाल ही में एमपी की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने 5,248 पदों की घोषणा की है, एवं कुछ पूर्व में जो पद रह गए थे उन पर भी भर्ती होना है। तो क्या आप सब पटवारी की भर्ती के लिए इच्छुक है या तैयारी करना चाहते हैं? यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे से जुड़ जाएं। दोस्तों, मैं आपको एमपी पटवारी की जो कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उनको लाऊंगा, प्लस आपको मैथ में जो भी हेल्प करते मेरे से बनेगी मैं आपको करवाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही बात बताने और यही फैक्टों से रूबरू कराने उपस्थित हुआ था। तो दोस्तों, आज हम कुछ कंप्यूटर के वेस्ट पर चर्चा भी करेंगे और साथ में देखेंगे कि कंप्यूटर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक है? तो इसके बाद अपन चर्चा करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, एक और गुजारिश, यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में साझा कर दें, ठीक है दोस्तों? और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आपको कंप्यूटर के बारे में। आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है डिजिटल कंप्यूटर और दूसरा होता है एनालॉग। कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है और एनालॉग होता है वो क्या होता है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है दोस्तों, ये बाइनरी सिस्टम को कवर करता है, ठीक है ना? बाइनरी सिस्टम अर्थात ये नंबर्स को, जैसे आपने 0 और 1, इस नंबर को या गिनती को ये क्या करता है, कवर करता है, ठीक है दोस्तों? और जो एनालॉग होता है दोस्तों, वो कवर करता है क्या, जैसे ताप को मापना है, ठीक है ना? दाब को मापना है, ठीक है ना? मानसून को मापना है, कुछ भी चीज़ें ऐसी, ताप, दाब, या अपन कह सकते हैं कि भौतिक चीज़ों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? एनालॉग का, ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप टिक लगाएंगे दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर या बाइनरी। किस कंप्यूटर से संबंधित है? तो डिजिटल कंप्यूटर संबंधित है। किस से भौतिक चीज़ों को हम माप सकते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर से हम भौतिक इकाइयों को नाप सकते हैं, ठीक है ना? एक तो ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन यहीं से ये बन सकता है कि इनमें से ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, मतलब अपनी गति चलने में कौन दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, सबसे जो तेज गति से, या अपन कह सकते हैं कि क्लियर रूप से जो चलता है वो चलता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना? आजकल डिजिटल कंप्यूटर 4G स्पीड से चल रहा है, तो डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग की तुलना में काफ़ी बेहतर तरीका से चलता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों यहीं पे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों चीज़ों से मिलके बनता है, डिजिटल और एनालॉग से, उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो दोस्तों, आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको एक ही स्क्रीन पर करा दिए। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जानने के लिए हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करना होगा और हमसे जुड़े रहना होगा। तो आपको मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत शानदार तरीका से करवाऊंगा दोस्तों, और आपकी पटवारी की परीक्षा और साथ में जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो आराम से आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और बताइएगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।